पुराना डिप्रेशन या परसिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर और मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। पिछले 38 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। एक व्यक्ति मेरे पास में आया, उम्र अप्रोक्सीमेटली 35 साल, बैंक में काम कर रहा है और कंप्लेंट यह है कि भाई मैं सब जगह घूम चुका हूं, सब लोग बोलते हैं कि आपको बीमारी कुछ नहीं है, मगर मुझे बहुत लो फील होता है, डाउन फील होता है, काम करने की इच्छा नहीं है। जैसा कुछ जबरदस्ती बैंक में जाना पड़ता है, जबरदस्ती मैं काम करता हूँ, खींचता हूँ कैसा, तभी एक बार 6 कैसे बच जाते हैं और मैं कब बाहर निकलूंगा बैंक से ऐसा लगता है। थोड़ा भी कुछ कारण हो गया तो मैं छुट्टी निकाल लेता हूँ और बैंक में भी बहुत ऐसा उत्साह नहीं रहता है। मेरा इंप्रेशन बैंक में डाउन हो गया है कि भाई ये अच्छा काम नहीं करता है बैंक में, गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है और फिर उसमें और फिर डिप्रेशन आता है कि ये कैसा करें, क्या करें। पेट का प्रॉब्लम है, भूख लगती नहीं है करके गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट को बताया, पेट के डॉक्टर को, फिर लो फील होता है, इच्छा नहीं होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती, कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को बताया, उसने थायराइड टेस्ट किया, बाकी सब टेस्ट किया, हार्मोनल सब नॉर्मल है। फिर न्यूरोलॉजिस्ट को बताया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है, नींद नहीं आती है, कभी कभी सर दर्द करता है, मस्कुलर पेन होता है, स्नायु में दर्द होता है। तो न्यूरोलॉजिस्ट ने CT करवाया, फिर बाद में MRI करवाया, बाद में EMG करवाया, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सब तरह जा चुका है, सब ब्लड की रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर है क्या। तो ये होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, लंबे असर तक चलने वाला, माइल्ड डिप्रेशन है मगर लंबे समय तक चलते रहता है। इसका क्राइटेरिया यही है कि 2 साल से ज्यादा यदि डिप्रेशन है तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर और डिसथाइमिया। और हमारे देश में करीब करीब 1 करोड़ लोग हर साल ये बीमारी से ग्रसित है। कितना नुकसान हो रहा है, ये लोग डायग्नोज होते नहीं है एज ए डिप्रेशन करके, मतलब उनको ऐसा डिप्रेशन करके कुछ बोलता नहीं, कोई बोलता नहीं, उनको साइकेट्रिस्ट के पास में भेजते नहीं है। साइकेट्रिस्ट के पास में जाने के लिए किसने बोला तो बोलते हम क्या पागल हो गए क्या, हमको वहां भेज रहे, जाते नहीं है साइकेट्रिस्ट के पास में और फिर सफर होते रहते हैं। इसमें हमारे देश का कितना नुकसान होता है कि कितनी प्रोडक्टिविटी लोगों की कम होती है। 1 करोड़ लोग यदि काम नहीं कर पा रहे उनकी पूरी कैपेसिटी के साथ तो कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश का। फैमिली का तो नुकसान हो ही रहा है, उसका खुद का तो नुकसान हो ही रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है और देश का भी नुकसान हो रहा है। तो उसने, ये व्यक्ति ने सभी टेस्ट किया था तो मुझे कोई नई टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने उसको बोला कि मैं आपको सीधा सीधा एंटी डिप्रेशन दवाई देता हूँ। उसको एंटी डिप्रेशन दवाई मैंने दिया और 20-22 दिन में, 25 दिन में उसको धीरे 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 अच्छा लगने लगा। बोले मुझे कभी इतना अच्छा लगा ही नहीं, अभी मेरी भूख बढ़ गई, मुझे काम करने की इच्छा होती है, मुझे ताकत अच्छी लगती है, जो निराशावा के विचार आते थे वो विचार भी अच्छे आने लगे, मैं भी लोगों से बातचीत करता हूँ, बच्चों से खेलता हूँ और बैंक में बोलते कि आजकल बहुत ही आप अच्छे दिखते हो, चेहरा भी खुल गया। और फॉलोअप पे आया, थोड़ा सा मैं डोज ऑल्टर कर दिया, कुछ बढ़ा दिया, कुछ कम कर दिया और उसको फिर 15 दिन के बाद में बुलाया, करीब करीब 1.5 महीने में वो पूरा का पूरा अच्छा हो गया। देखिए ऐसे कितने सारे लोग होंगे कि जो ऐसे डिस्थाइमिया से बीमारी, मतलब डिस्थाइमिया बीमारी से ग्रसित होंगे, क्रॉनिक परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर उनको है और 2 साल से पीड़ित है, वो साइकेट्रिस्ट के पास में जाते नहीं है, फिर जनरल डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वहाँ उनको बोला जाता है कि उनको विटामिन B12 की कमी है तो वो इंजेक्शन ठोको, फिर कोई बोलता नहीं नहीं आपको विटामिन डी कम है तो विटामिन D3 के टैबलेट्स और इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो कोई बोलता है विटामिन ई कम है, तो कोई बोलता विटामिन के कम है, कोई बोलता कैल्शियम की कमी है, कोई बोलता मैग्नीशियम की, कोई बोलता जिंक दे दो, अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड प्रिपरेशंस, फिर आयुर्वेदिक दवाई दिया जाती है, फिर कोई बोलता है कि नहीं आपका लो BP है तो उसके लिए दवाई ले लो, ऐसे अलग दवाई करने के बाद में भी वो ठीक होते नहीं, उनको जरूरत होती है एंटी डिप्रेशन की। इसके साथ साथ मैंने उसको साइकोथेरेपी भी दिया, हिप्नोथेरेपी दिया और 2 महीने में तो बोले कि अभी मैं तो दवाई लेने की मतलब मुझे जरूरत भी नहीं है और मैं तो अभी अच्छा काम करने लगूंगा। धीरे 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 मैंने उसकी दवाई कम कर दी और अभी बिना दवाई का भी वो अच्छा चल रहा है। हो सकता है कि उसको दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है,
डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन्स, ये जो फील गुड हार्मोन्स है, इसकी कमी की वजह से हो गया है। तो डेफिनेटली वो दवाई बंद करके हो सकता है कि उसको फिर से सिम्टम आ सकते हैं, तुमको वॉच करना पड़ेगा, और ऐसा कुछ रहा तो फिर से दवाई शुरू करनी होगी। मगर हम यूजली 6 से 9 महीने रिकमेंड करते हैं कि इन्होंने दवाई लेना चाहिए, ताकि बाद में लेने की जरूरत ना पड़े। तो ये रहा डिस्थाइमिया, और ऐसे समाज में बहुत सारे लोग होंगे, उनको ये वीडियो देख के आप डेफिनेटली अपने अपने डॉक्टर को सलाह लेने की सलाह दे सकते हैं और उनका इलाज कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।